यूटर्न तो अच्छे होते हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी यूटर्न पॉलिसी पर अमल पैरा। स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला के खत पर महकमा खजाना ने सवाबदीदी फंड से 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आला ने ओहदे का चार्ज संभालते ही सवाबदीदी फंड ना लेने का फैसला किया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। जी हसन रजा, इस यूटर्न के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है ये लेटर सामने आया था कि वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट की स्पेशल सेक्रेटरी की जानिब से जो है ये लेटर लिखा गया है, जिसमें 5 करोड़ सवाबदीदी फंड देने का मुतालबा किया गया है और बल्कि हुक्म दिया गया था, जिस पर आज इंप्लीमेंट करते हुए जो है जो महकमा खजाना पंजाब है उन्होंने 2,48,33,000 रुपए जो है वो वज़ीर-ए-आला पंजाब के सवाबदीदी फंड के लिए जारी कर दिए गए हैं। और ये लेटर जो है स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर मेंशन किया गया है कि सीएम के सवाबदीदी फंड के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि गुज़श्ता रोज जो सूबाई वज़ीर इत्तला'आत हैं उनका ये दावा था कि वो सवाबदीदी फंड नहीं लेंगे। लेटर जारी होते रहते हैं लेकिन जो है पैसे जारी नहीं होते और हम जो है ये सवाबदीदी फंड नहीं लेंगे, उनका ये कहना था कि सवाबदीदी फंड खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन आज इस लेटर से सामने आ रहा है कि हुकूमत ने एक बड़ा यूटर्न दिया है, जो कि सवाबदीदी फंड पहले खत्म करने का ऐलान किया था आज जारी हो चुके हैं और पैसे अब ये इस्तेमाल भी किए जाएंगे। ज़राए का ये कहना है कि ये पैसे इसलिए जारी किए गए कि उस्मान गुलजार डीजी खान तोंसा शरीफ गए थे, वहां पे उन्होंने कुछ अपने अफराद को जो है वो जो जिन्होंने इनके इलेक्शन कैंपेन की थी उनको पैसे देने का मुद्दा जो है कमा दिए थे, जिसपे इनके जो पर्सनल वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से लिए गए यूटर्न के हवाले से हसन रजा आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।